श्रद्धा के साथ। आपका कब से रिलेशन था श्रद्धा के साथ? श्रद्धा को आपका वो कब से जानते थे? श्रद्धा को आपका वो श्रद्धा को कब से जानते थे? आपका वो श्रद्धा को कब से जानते थे? आपका भाग्या क्यों की ये तो बताइए। आपका बोलने क्या था? एक यहाँ पे लड़का लड़की आए थे मुंबई से। वो लोग यहाँ पे आके जब रहे, कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए। तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने। उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वॉज इन दिल्ली। तो हमारे पास PS मेहरोली में वो लोग आए और हमने फिर इमिडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया। इसमें वहाँ पे दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, कभी कॉल सेंटर में या फिर किसी और प्राइवेट फर्म में दोनों जॉब करते थे, लड़का लड़की दोनों। यहाँ पे भी आके इन्होंने, लड़की ने जॉब स्टार्ट नहीं की थी बट लड़का वॉज इन अ जॉब आफ्टर द इंसिडेंट। लड़के ने कोई जॉब ज्वाइन कर ली थी यहाँ पे, वो जॉब करते थे। नाम लड़के का तो आफ्ताब पूनावाला है बट लड़की का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे ऑफिशियली। ये जो मालूम चला पूछताछ के अंदर कि ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए, आपस में मुंबई में ही आए थे, देवर एंड एलिवर रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया। और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रिक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज़ कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज़ किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। ये समवेयर इन मे जो लड़के ने बताया, इसने लड़की को मारा। बॉडी का ये है कि इस लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट, तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी। आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ कुछ मिला है उसको अभी। इट इज़ येट टू बी कन्फर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं, क्या है, आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वाला। बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। पूरा हम डिजिटल एविडेंस जो हमारे हैं और साइंटिफिक एविडेंस उस पर फोकस करके विल ट्राई टू गो अहेड।